hello students welcome to my channel i'm your math teacher charu today we will start exercise 10.2 of chapter 10 practical geometry in this chapter we will discuss about constructions of triangles in the exercise we are, what are, we going, to learn? How are we going to construct triangles so firstly we will discuss when the length of its three sides are known which means SSS criterion one statement is construct triangle xyz in which xy equals to 4.5 centimeter, yz equals to 5 centimeter, and zx equals to 6 centimeter. Start solution. So, firstly, we write given in this question xy is 4.5 centimeter. Y z 5 centimeter and z x equals to 6 centimeter. Firstly, we draw rough sketch of triangle xy In this 5 z is 5 centimeter, x y 4.5 and x z is 6 centimeter. This is rough sketch of triangle x y z. हाउ वी कंस्ट्रक्ट ट्रे एंगल एक्स वाई चेट विद द हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल एंड कम्पस एंड विद ड्रो रफ स्केच विद द हेल्प ऑफ ओनली पेंसिल एंड स्केल बट नाउ वी यूज कंपस आल्सो सबसे पहले पेंसिल को कम्पस में हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो इनके पॉइंट हैं वो इक्वल होंगे इस तरह से अगर हम पॉइंट को इक्वल कर लेंगे तो हमारा जो फिगर होगा वो सही बनेगा तो सबसे पहले हम वाइट जेट लेंगे फाइव सेंटीमीटर जो कि बेस है ट्रायंगल का जैसे कि हमने रफ स्केच में भी ड्रॉ किया है तो वाई जेड हम कितना लेंगे फाइव सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या लेंगे जीरो यानी कि जीरो पर पॉइंट लगाएंगे और हमने फाइव सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली है तो एंड पॉइंट हमारा फाइव पर होगा तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हम जेड एक्स सिक्स सेंटीमीटर लेंगे जेड एक्स हम कैसे लेंगे जो हमने फर्स्ट लाइन सेगमेंट ली थी वो क्या था वाई जेड फाइव सेंटीमीटर अब हम जेड से एक्स तक सिक्स सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे तो कंपस को हम सिक्स सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो कंपस में हम एक पॉइंट क्या होगा सिक्स पर और पेंसिल जीरो पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से हम कंपास को ओपन कर लेंगे कि जो एक पॉइंट होगा सिक्स पर और दूसरा जीरो पर तो ऐसे ही हम जेड पॉइंट पर कंपस को इस तरह से हम रखेंगे और आग लगाएंगे सिक्स सेंटीमीटर की एक्स पॉइंट पर नाउ अब हम एक्स वाई फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेंगे तो कंपस को हम कितना ओपन करेंगे फोर पॉइंट फाइव तो एक कंपस का एंड पॉइंट कहाँ होगा फोर पॉइंट फाइव पॉइंट पर और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जीरो पर होगा तो इस तरह से हम कंपस को हम ओपन करेंगे कि फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंपस ओपन हो जाए ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट जीरो लेंगे और एंड पॉइंट फोर पॉइंट फाइव तो इस तरह से अब हम एक्स वाई फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे यानी कि जो पॉइंट वाई से हम आर्क ड्रॉ करेंगे फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की और जो कि इंटरसेक्ट करेगी एक्स पॉइंट पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ये आर्क है वो स्मॉल है तो हम इसे सिक्स सेंटीमीटर ओपन दोबारा से कर लेंगे और इसको इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से हम इसे इंक्रीज कर लेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा एक्स एक्स को हम वाई से ज्वाइन करेंगे और एक्स को ही हम जेड से ज्वाइन करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स को हम वाई से ज्वाइन करेंगे सिमिलर हम जेड से भी ज्वाइन करेंगे एक्स चेट डिस्टेंस हमने कितनी ली थी सिक्स सेंटीमीटर तो यहां हम सिक्स सेंटीमीटर राइट करेंगे और एक्स वाई हमने कितना लिया फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यहां हम फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर राइट करेंगे तो हमने अब कंपस और स्केल की हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है जिसमें हमने वाई चैट फाइव सेंटीमीटर लिया एक्स वाई फोर पॉइंट फाइव और एक्स 6 सिक्स सेंटीमीटर तो ये ट्रायंगल क्या, क्या हुई ट्रायंगल एक्स वाई जेड जैसे हमने इस ट्रायंगल में बेस लिए सेंटीमीटर ऐसे आप एक्स वाई भी ले, सकते थे बेस, भी ले सकते थे ये आपकी चॉइस है आप हम कोई भी बेस यहाँ पर ले सकते हैं हमने ट्रायंगल एक्स वाई जेट कंपस की हेल्प से ट्रू किया और ये इसका रफ स्केच है कंपस से जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम एक पॉइंट को नोट करेंगे कि हम जब कंपास को ओपन करेंगे सिक्स सेंटीमीटर जैसे हमने इसमें ओपन किया इसमें फोर पॉइंट फाइव कम्पस ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पर होना चाहिए और एंड पॉइंट सिक्स अगर हमें सिक्स सेंटीमीटर कंपस ओपन करनी है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पर और एंड पॉइंट सिक्स पर होना चाहिए तभी हमारी कंपास एक्यूरेट ओपन होगी और हमारी आग फिगर में सही से लगेगी जब हम एक्स वाई फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपस को तब हम स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पर रखेंगे और एंड पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पर रखेंगे तभी हमारी कंपस एक्यूरेट ओपन होगी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आग सही से ट्रो हो जाएगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप इज ट्रू अलाइन सेगमेंट फाइव चेप इज फाइव सेंटीमीटर सेकेंड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट जेड ट्रू एन आर्क ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एट एक्स जेड से एक्स पॉइंट पर आर्क लगाएंगे थर्ड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट वाई ट्रू एन आर्क ऑफ रेडियस फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एट एक्स वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट पर आर्क लगाएंगे फोर्थ पॉइंट ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड एक्स को वाई से भी ज्वाइन करेंगे और जेड से भी Now, we have required triangle XYZ Now, question 2 statement is Construct an equilateral triangle of side 5.5 cm Now, we start solution So, firstly we write given Given kya isme? Side of triangle Sides of triangle is 5.5 centimeter. Then, hum kya karenge? Rough sketch stroke karenge with the help of scale and pencil और इसमें हम रफ स्केच में ऑल साइड कैसे लेंगे 5.5 सेंटीमीटर क्यों क्योंकि ये इक्वेनेट्रल ट्रायंगल है इक्वी ट्रायंगल में ऑल साइड कैसे होती है इक्वल तो बी सी सेंटीमीटर ए सी सेंटीमीटर ए बी सेंटीमीटर तो इस तरह से ये रफ स्केच ड्रो करेंगे हम स्केल और पेंसिल की हेल्प से और 5.5 सेंटीमीटर हम साइड लेंगे क्योंकि ये इक्वे ट्रायंगल है रफ स्केच बनाने के बाद हम कंपस, स्केल और पेंसिल की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्वी ट्रायंगल सो फर्स्टली लाइन सेगमेंट हम 5.5 सेंटीमीटर BC लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होगा और एंड पॉइंट 5.5। तो इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ये लाइन सेगमेंट क्या होगी बी सी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ हम पॉइंट लिखेंगे बी सी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंपस को ओपन करेंगे इस तरह से कि स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पर होगा और एंड पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पर तो फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंपस ओपन करने के बाद सी पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे ए पॉइंट पर 5.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके तो सी से पॉइंट पर हमने आर्क लगा दी ऐसे ही हम बी से ए पॉइंट पर आर्क लगाएंगे और वो भी कैसे 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर कंपास तो हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है तो ऐसे ही सिमिलर हम बी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी ए पॉइंट पर तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पॉइंट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए को हम बी से भी ज्वाइन करेंगे और सी से भी बी से हम ए को ज्वाइन करेंगे जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया उसे हम ज्वाइन करेंगे ऐसे ही हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे जो ए बी डिस्टेंस है और ए सी डिस्टेंस है वो क्या है फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सिमिलर ए सी भी कितनी थी सेंटीमीटर तो हमने स्केल पेंसिल और कंपस की हेल्प से ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर ली है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सो फर्स्ट स्टेप इज अ लाइन सेगमेंट बी सी 5.5 centimeter now second point is from point C Draw an arc of radius 5.5 centimeter at point A C point se A point per arc draw karenge. now third point from point B Draw an arc of radius 5.5 centimeter at A Now B point se A point per arc draw karenge. then join ए बी एंड ए सी ए को बी पॉइंट से ज्वाइन किया और एक को सी पॉइंट से ज्वाइन किया नाउ लास्ट पॉइंट इज वी हैंगल ए बी सी ए बी सी जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ए बी सी लिया ऐसे स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है तो यहाँ आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड अपने चॉइस के भी पॉइंट लैड कर सकते हैं हमें एंगल बी एंगल सी मेज़र करना है तो हम डी की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एंगल मेज़र करना हो तो सबसे पहले हम जो इसका सेंटर पॉइंट है जैसे हमने अगर बी पॉइंट का एंगल मेज़र करना है तो जो ये मिड पॉइंट की लाइन है हम बी पॉइंट पर मैच करेंगे यानी कि बी पॉइंट पर इसे रख देंगे इस तरह से तो हम इस तरह से अब हम प्रोटेक्टर को मिड पॉइंट जो है वो बी पॉइंट पर रखेंगे जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो इसका ये मिड पॉइंट है वो क्या कहाँ पर मीट किया है बी पॉइंट पर अब जो ये एंगल है स्टार्टिंग एंगल वो क्या है जीरो जीरो के बाद टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और जो ये लाइन है जहाँ से ये बी पॉइंट एक्सटेंड हुई है लाइन ये सिक्सटी पॉइंट पर मीट करी है तो यानी कि जो बी एंगल है वो क्या है सिक्सटी डिग्री का एंगल अगर हमें अगर सी पॉइंट का एंगल चेक करना है तो मिड पॉइंट को सी पॉइंट पर मीट करेंगे इसे हम चेक करेंगे जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग एंगल जीरो है फिर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तो जो सी ए लाइन है वो सिक्सटी डिग्री एंगल पर मैच कर रही है तो सी एंगल क्या होगा सिक्सटी डिग्री एंगल वी हैव डिस्कस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज टेन Chapter 10 Practical Geometry. So, try another part of this exercise which is similar to this question. I hope so. You all understood this question clearly. Thank you.